सेठ जी आपके यहाँ आने से यहाँ की रौनक बढ़ जाती है। भाई हमें तो यहाँ का मौसम और तुम्हारे हाथ का खाना खींच के ले आता है। ये तो आपका बड़प्पन है सेठ जी, वरना मैं तो आपका एक मामूली सा नौकर हूँ। दिलेर भाई आपके घर बेटा पैदा हुआ है। बेटा पैदा हुआ है? देखा सेठ जी, आप लोगों का आना कितना शुभ साबित हुआ है। मेरे घर में मेरे कुल का चिराग पैदा हुआ है। मुबारक। सेठ जी अगर आपकी आपकी इजाजत हो तो मैं जरा घर रुक आऊं। हाँ हाँ जरूर जाओ, और देखो पूरी बिरादरी में हमारी तरफ से लड्डू बांटना और हमारा भी मुंह मीठा कराना मत भूलना। हाँ हाँ जरूर, चलता हूँ। पार्वती पार्वती, मैं एक बेटे का बाप बन गया। अरे वाह रे वाह, अरे वाह रे वाह। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने इस गरीब के दिल की मुराद पूरी कर दी। लक्ष्मी, मैं तुम्हारे जज्बात को समझता हूं। दिलेर के बेटे की खबर सुनकर तुम्हें अपने बच्चे की कमी महसूस हो रही है ना? मैं भी कितनी बदनसीब हूं कि आपके खानदान को एक वारिस भी न दे सकी। ये तो सब भगवान की मर्जी है। हमने किसी का क्या बिगाड़ा था, क्या बिगाड़ा था? लक्ष्मी, एक बात कहूं, क्यों ना हम दिलेर के बेटे को गोद ले लें? हाँ लक्ष्मी, ऐसी कौन सी मां होगी जो अपने जिगर के टुकड़े को निकालकर और किसी के झोले में डाल दे? फिर भी पूछने में क्या हर्ज है? मालिक मालिक मालिक, लीजिए मुंह मिठा कीजिए मालिक। बरसों बाद आज मेरे मन की मुराद पूरी हुई है। हाँ मालिक, भगवान ने इस गरीब के घर में चांद का टुकड़ा ही नहीं, पूरे का पूरा चांद ही भेज दिया है। लीजिए मालिक, आप भी मुंह मिठा कीजिए। अच्छा मालिक, चलता हूं, सबका मुंह मीठा करवाना है, चलता हूं। आपने दिलेर से बच्चे के बारे में कुछ नहीं पूछा? उसकी खुशी देखकर हिम्मत नहीं हुई। अगर अपनी जरूरत अपनी जुबान पर ले आता तो उसकी खुशियों पर बिजली गिर पड़ती, और फिर किसी की खुशियां छीनने का हमें हक भी क्या है? भगवान पर भरोसा रखो, वो हमारी मुराद जरूर पूरी करेगा। मुझे विश्वास है कि तुम्हारी ममता प्यासी नहीं रहेगी। ये क्या कह रहे हैं आप? बेटा पैदा होते ही आपको बोझ लगने लगा? किस बाप को बेटा बोझ लगता है भला? बाप तो जीता ही औलाद की खातिर है और मरता भी औलाद की खातिर ही है। तो फिर आपने बेटा सेठ जी को देने का सोचा ही कैसे? मैंने 9 महीने तक अपना खून पिला पिला कर जन्म दिया है इसे। परसों के बाद भगवान ने मेरी झोली भर दी है और आप मेरी झोली खाली करके किसी और की झोली भर देना चाहते? तुम्हारी झोली में रखा ही क्या है पार्वती? गरीबी, सिर्फ गरीबी है हमारे पास। हमारा बेटा बड़ा होकर क्या बन जाएगा? मेरी तरह नौकर? जबकि सेठ जी के यहां पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बनेगा, राज करेगा, राज करोड़ों का इकलौता वारिस होगा। जरा अपना मोह छोड़कर अपने बेटे के भविष्य के बारे में सोच पार्वती, भविष्य के बारे में। आपके मन में लालच आ गया है? हाँ लालच आ गया है, मेरे मन में लालच आ गया है, मगर अपने लिए नहीं, अपने बेटे के भविष्य के लिए। मुझे भी अपने बेटे से बिछड़ने का उतना ही दुख होगा पार्वती जितना कि तुझे। मैंने सेठ जी के चेहरे पर मायूसी देखी है पार्वती, ऐसे लग रहा था जैसे सब कुछ होते हुए भी उनके पास कुछ नहीं है। पार्वती, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अपना बेटा सेठ जी को गोद देकर उनके मन की मुराद पूरी कर दो। ईश्वर तुम्हारी ये कुर्बानी देखकर तुम्हारी गोद फिर से हरी भरी कर देगा। मालिक, दिलेर ये मालिक आपकी झोली में अपनी श्रद्धा का फूल भेंट करने आया हूं।
हम कुछ समझे नहीं। मैंने मालकिन की सारी बातें सुन ली थी मालिक। दिलेर, ये ठीक है कि हम तुम्हारा बच्चा गोद लेना चाहते थे, पर तुम्हारी खुशी देखकर यह एहसास हुआ कि हमसे ज्यादा बच्चे की जरूरत तुमको है। बच्चे की जरूरत किस मां बाप को नहीं होती मालिक। बच्चे का बाप ईश्वर ने चाहा तो फिर बन जाऊंगा, मगर आपके काम आ सकूं ऐसा सौभाग्य शायद फिर मिले ना मिले। मेरी इस छोटी सी भेंट को स्वीकार करके मुझ गरीब पर एहसान कर दीजिए मालिक। दिलेर, अरे एहसान तो तुम हम पर कर रहे हो, जो अपने जिगर के टुकड़े को हमको सौंप रहे हो। हम तुमसे वादा करते हैं कि इसे हर मिनट हर पल खुश रखने की कोशिश करेंगे। अरे शैतान, अति पेशाब कर दिया। चलिए मालकिन। चुप हो जा। पार्वती, मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ, मगर तुमने एक औरत के कलेजे को ठंडक पहुंचाई है। भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द तुम्हारे घर फिर से बेटा पैदा होगा। हाँ पार्वती, त्याग कभी जाया नहीं जाता। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैं तुम्हारे बेटे को हर हाल में खुश रखूंगी। अगर आपकी इजाजत हो मालकिन, तो मैं बच्चे को दूध पिला दूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लो। मैंने पार्वती की आंखों में दर्द देखा है। मेरी हिम्मत नहीं हो रही है उसे उसका बच्चा छीनने को। हम बच्चे को साथ नहीं ले जाएंगे। ऐसा ऐसा मत कहिए मालकिन, हम लोगों के दिल में कुछ नहीं है। आखिर माँ है ना, हम खुश हैं, बहुत खुश हैं। हमारा बेटा तो आपके यहाँ राज करेगा, राज। ये लीजिए मालकिन। राजा बेटा। अरे विकी, जल्दी दूध पी लो। नहीं मैं नहीं पीऊंगा। चलो जल्दी पी लो। नहीं मुझे नहीं पीना। नहीं करते विकी, प्लीज दूध पी लो। तुम पी लो, चलो जल्दी जल्दी पी लो। नहीं पीना। अरे मालकिन, क्या 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 सेठ जी, मुबारक हो। क्यों? आपकी धर्मपत्नी मां बनने वाली हैं। क्या क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ सेठ जी, पर सेठ जी कई सालों के बाद ये मां बन रही हैं, इसलिए इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। इट्स ऑल राइट। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, तुमने हमारी सुन ली। आइए मालिक आइए, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। रास्ते में दुर्गा माता के मंदिर में रुक गए थे। हाँ, जब से आपका फोन आया है मालिक, मैं यहाँ दरवाजे पे बैठे बैठे आपकी राह देख रहा हूँ। आप लोग चलिए अंदर, मैं सामान। पार्वती कैसी हो? पार्वती
अच्छी हूँ। तुम्हारा मुन्ना बहुत अच्छा है, पूरे 3 साल का हो गया है। आइए मलकी, आइए। अरे अरे लक्ष्मी बैठी रहो, मैं जो हूँ। हेलो। नमस्ते सर, मैं आपका सेक्रेटरी हर्षवर्धन बोल रहा हूँ। आपका जल्द से जल्द बॉम्बे पहुँचना बहुत जरूरी है। देखो तुम तो जानते हो इस हालत में मैं लक्ष्मी को छोड़कर नहीं आ सकता हूँ। लेकिन सर एक जरूरी मीटिंग अटेंड करनी है जिसके लिए आपका आना बहुत जरूरी है। कुछ भी हो मैं नहीं आ सकता हूँ। बॉम्बे से कॉल था, कोई जरूरी काम ही होगा, आपको चले जाना चाहिए। लक्ष्मी मैं तुम्हें इस हालत में कैसे छोड़कर जा सकता हूँ। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मेरी देखरेख के लिए पार्वती जो है, आप अपना काम खत्म करके जल्दी लौट आइए। पर मैं नहीं, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, आप जरूर जाइए। ओके। इतने से काम के लिए हमें यहाँ बुला लिया। सर वो सेठ धर्मपाल जी के साथ आपकी मीटिंग जरूरी थी, इतने बड़े सौदे का फैसला आपके बिना कैसे हो सकता था सर। बिजनेस तो हमारा जिंदगी भर चलता रहेगा, पर इस वक्त तुम्हारी मालकिन के पास हमारा रहना बहुत जरूरी है। शिमला फोन लगाकर बात करो। ओके सर। हेलो पार्वती, मैम सबको बुलाओ। हाँ मालिक, अभी बुलाती हूँ। मालकिन, साहब का बॉम्बे से फोन आया है, उनका फोन है। मालकिन चलो अंदर ले चलो। क्या हुआ? मालकिन फिसल के गिर गई है। ओह माय गॉड, तुम जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, मैं फौरन निकल कर आता हूँ। अच्छा मालिक। पार्वती 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 पार्वती, डॉक्टर साहब कहाँ हैं? डॉक्टर साहब घर पे नहीं है, पड़ोस के गांव गए हैं, आते ही यहाँ आ जाएंगे। तो फिर किसी और डॉक्टर को बुला, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, जल्दी जाओ। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा मालकिन, तो डॉक्टर को बुलाने गए हैं, आते ही होंगे। मालकिन मालकिन धीरज रखिए, मालकिन धीरज रखिए, मालकिन क्या हुआ? आगे बर्फ गिरी हुई है, रास्ता बंद है, इसके आगे आप नहीं जा सकते। मेरा जाना बहुत जरूरी है। बर्फ हटाई जा रही है, हटाने के बाद ही आप जा सकेंगे। मालकिन, बच्चे को जन्म देकर इस दुनिया से चल बसी। पार्वती, अगर हम सेठ जी के बच्चे को मार दें तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। जी के बच्चे को मार दे, ये आप क्या कह रहे हैं? जरा सोचो पार्वती, सेठ जी का अपना बेटा होगा तो तुम्हारे बेटे को कौन पूछेगा? आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। ये सब बातें छोड़ो पार्वती, जरा अपने बेटे के बारे में सोचो। दुनिया में किसी बाप को अपने बेटे से पराया बेटा नहीं अच्छा लगता। मैं ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी। तुम ऐसा नहीं कर सकती तो मैं मार देता हूं उसे। पार्वती मेरी बात सुनो, पार्वती पार्वती दरवाजा खोलो, पार्वती मेरी बात समझने की कोशिश करो, पार्वती दरवाजा खोलो, पार्वती पार्वती मैं भी कितना बदनसीब हूं
अपनी पत्नी के चिता को अग्नि भी न दे सका। मुझे माफ कर दो मालिक, दो दिन तक मैंने आपका इंतजार किया, फोन भी करने की कोशिश की, मगर फोन की लाइन खराब थी, मैं क्या करता। सुनिए भाई साहब, क्या सेठ राय बहादुर कहाँ रहते हैं? कोई पता ठिकाना आपके पास नहीं? तो फिर कैसे ढूंढ पाएंगे आप उनको? हे भगवान, इतने बड़े शहर में उन्हें कहाँ ढूंढूं? अपना अपना मजा क्यों खराब कर रहे यार? सुबह से इतने से बर्तन लेके बैठी है, ये बर्तन कौन साफ करेगा? तेरी माँ कल यू ही कही थी। माँ, माँ तुम क्यों रो रही हो? माँ